सच्चा इंसान नहीं है। जाने आलम, इज्जत का, मोहब्बत का, वफा का लुटेरा है। मेरे और तुम्हारे जैसी लड़कियों को प्रॉब्लम बताऊं क्या है? हमारी ख्वाहिशात और हमारी जरूरतें ही हमें मरवाती हैं। मरियम। जी सर। हमें अभी एक क्लाइंट से मीटिंग के लिए जाना है। ओके सर। मैं तुम्हारा बाहर वेट करूं। Are you sure तुम यहाँ से कुछ नहीं खाओगी? जी सर। अच्छा मरियम, मैं यहाँ तुम्हें किसी क्लाइंट से मीटिंग कराने के लिए नहीं लेकर, बल्कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए लेकर आया। ऐसी बात जो तुम्हें शायद अभी तक पता नहीं है। मरियम, नूरुस्सबा ने नौकरी खुद नहीं छोड़ी, मैंने निकाला था उसे जॉब से। जी? अब क्यों सर? ब्लैकमेल कर रही थी, बदनाम करना चाहती थी। अब तुम ये सोच रही होगी ना कि वो ऐसा क्यों करेगी, मुझे क्यों बदनाम करना चाहेगी। मरियम, मैंने नूरुस्सबा से बहुत मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत जितनी शायद एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे करे। मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी अम्मी उसको बहू बनाने पर राजी नहीं थी। मैंने अपनी अम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की, तो वो नहीं माने, और इस बात का पछतावा मुझे आज तक। नूरुस्सबा ने मुझसे कहा कि मुझसे कोर्ट मैरिज करो। अब मैं अपनी अम्मी की बात के अगेंस्ट जाकर उससे कोर्ट मैरिज कैसे करता? मैंने मना कर दिया साफ साफ। उसने मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगा तो वो मुझे बदनाम कर देगा। फिर जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने ऐसे ही किया।
मुझ पर गलत गलत इल्जाम लगाया है, मुझे मेरे ऑफिस के लोगों के सामने जलील करके रखी, मुझे इस कदर बदनाम कर दिया कि मैं किसी से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। जानती जब नूर सबा नई नई आई थी ना, वो बिल्कुल खाली हाथ, उसके पास कुछ भी नहीं। मैंने उसे अच्छी नौकरी दी, रहने के लिए घर दिया, गाड़ी दी उसको, और मेरे तमाम एहसानात का बदला उसने मुझे बदनाम करके उतार दिया। लेकिन कोई बात नहीं, वो तो देख रहा है ना सब कुछ। अब देख लेना, वो मेरे बारे में तुमसे भी अजीब अजीब बातें बोलेगी, तुम्हारे सामने भी मुझे बदनाम करने की कोशिश करेगी, और तुम उसकी बात पे यकीन कर लोगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है, आप बेफिक्र हैं। वो कुछ भी कहें, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जी सर। चलो, कोई तो है जिसे मुझ पर भरोसा है। यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, वन टी प्लीज। गरीब नहीं होती जा रही हो तुम, जाने आलम के। कहा लेकर गया था? डिनर पे। जी हाँ, मैं तो भूल गई, तुम तो उससे पहले से इंप्रेस हो। तुम तो पहले से इंप्रेस हो। इंप्रेस हो, सही कहते हैं वैसे जाने वाले। तुम्हारे जैसी लड़कियों को फसाना ना बड़ा ही आसान है। देखिए नूरुल सबा, खबरदार जो आपने इससे आगे कुछ भी कहा, वरना मैं क्या क्या कर लोगी तुम? इधर आओ। कहाँ जा रही हो? आलम को बताओगी? जा, बता जाने आलम को। कुछ नहीं कर सकता वो मेरा। लेकिन एक बात याद रखना, कभी सोचे कि इतना मेहरबान क्यों हो रहा है वो तुम पे? ऐसी बड़ी बड़ी मेहरबानियां, मुझ पे भी की थी उसने। मुझ पे भी की थी बड़ी बड़ी मेहरबानी। बहुत बड़ी कीमत अदा की मैंने इन बड़ी मेहरबानियों की, बहुत बड़ी कीमत तुम्हें भी अदा करनी पड़ेगी। तुम
तुम्हें भी वो कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो दिन दूर नहीं है जब तुम जाने आलम का अगला निशाना होगी। इजाजत हो? जी जी जी। हेलो, अंगूठी पहनाओ बिस्मिल्लाह करके। रोज बेटा हाथ आगे कीजिए। मुबारक 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 हो आप। तुम्हारे जाने आलम का असली चेहरा। भेड़िया है वो, भेड़िया इंसान नहीं हो, भेड़िया। तुम खुद को बचा लो मरियम, बचा लो खुद को। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। आप कुछ भी कह लें, मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी। ये रखिए अपनी झूठी तस्वीर अपने पास। इसे तुम रखो ताकि तुम्हें ये जाने आने की बेवफाई का एहसास दिलाती रहे। क्या था मुझे पता था कि तुम मेरी बातों का यकीन नहीं करोगी। जानती थी कि उसने तुम्हारी आंखों पे भी वही पट्टी बांधी है जो उसने मेरी आंखों पे बांधी थी। जिस रास्ते पे तुम जा रही हो ना, मैं उस रास्ते से आ रही हूं। जाओ मरियम, मत जाओ उस रास्ते पे। मेरा यकीन करो, मत जाओ। बाजी, ए बाजी, अल्लाह के नाम पे दे दे, तेरा बड़ा भला करेगा बाजी। भला नहीं चाहिए, एक मिनट। सोने की चेने चाहिए? नहीं, पहले दुआ करो, दुआ करो कि नूरुल सबा, अल्लाह करे तू मर जाए।